हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 23। तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, सर प्लीज आप आगे ना बढ़े, यहाँ से वापस चले जाइए। तभी आलोक ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। तभी उस बॉडीगार्ड ने उसे जवाब देते हुए कहा, उन्होंने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया है, सॉरी लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, तभी आपको हम उनसे मिलने के लिए अंदर जाने दे सकते हैं। ओ, तो ये बात है। ये कहते हुए आलोक ने उस आदमी की तरफ देखकर एक शातिर मुस्कुराहट के साथ देखा। वो आदमी कुछ कहता उससे पहले ही उसने अपनी गन निकाली और उसके साइड से उसके शरीर में गोली उतार दी। ये कोई बुलेट वाली गन नहीं थी बल्कि ऐसी गन थी जिसके निशाने से वो लोग अगले 4-5 घंटों तक बेहोशी की हालत में रहने वाले थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसमें किसी की भी जान नहीं लेनी है, इसलिए उसने इस गन का इस्तेमाल किया था। और जब वो बॉडीगार्ड बेहोश होकर नीचे गिरा तो दूसरे गार्ड ने ये देख लिया था, और जैसे ही वो गार्ड आलोक की तरफ बढ़ा, आलोक ने उसे भी बेहोश करके पहले वाले गार्ड के साथ साइड में लेटा दिया और फिर वो चारों तरफ देखता हुआ घर के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही हॉल से होते हुए वो घर के लिविंग एरिया में गया जहाँ टीवी ऑन था, लेकिन वो म्यूट पर था। और फिर जब उसने अपनी नजरें घुमाकर डाइनिंग एरिया की तरफ देखा तो उसकी नज़र उसके शिकार पर पड़ी। तब उसके शिकार की नज़रें भी उससे मिली और आलोक को वहाँ देख वो आदमी कितना डरा हुआ था, उसका वो डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। उसने डरते हुए आलोक की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो तुम? आलोक ने बड़े आराम से उससे कहा, देखो मुझे यहाँ तुम्हें किसी ने अपने साथ ले जाने के लिए भेजा है, और अगर तुमने मेरे काम में थोड़ी सी भी टांग अड़ाई तो मुझे मजबूरन तुम्हें इस दुनिया से भेजना होगा, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। आलोक उस आदमी को डराने के लिए ये कह रहा था। और फिर आलोक बंदूक हाथ में लिए उस आदमी की तरफ बढ़ गया, जिसे देख वो आदमी डर गया। और फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा ये बताओ मुझे क्या करना होगा? आलोक ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि तुम समझदार हो। अब सुनो, तुम यहाँ से मेरे आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन कोई चालाकी मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही रहूँगा और तुम मेरी बंदूक के निशाने पर, और यहाँ से निकलकर सीधे तुम मेरी कार में चलकर चुपचाप बैठ जाओगे। याद रहे, किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। तुम जानते ही हो कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की तो मेरी ये बंदूक तुम्हें मौत की नींद सुला सकती है। ये कहते हुए आलोक ने अपनी बंदूक उस आदमी की खोपड़ी पर तान रखी थी। चलो अब जल्दी से चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो, और हाँ याद रहे, थोड़ी सी भी चालाकी तुम्हारी जान ले सकती है। आलोक ने उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया और फिर उसकी पीठ पर अपनी बंदूक की नोक रख उसके पीछे पीछे जाने लगा। और जब वो दोनों थोड़ा बाहर आए तो उस आदमी की नज़र उन बेहोश पड़े बॉडीगार्ड्स पर पड़ी, तो उनकी तरफ देख उसने आलोक से पूछा, तुमने इनके साथ क्या किया? आलोक ने उसे सीधा करते हुए कहा, चिंता मत करो, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ घंटों के लिए बेहोश हुए हैं ये। और फिर आलोक के कहे मुताबिक वो आदमी चुपचाप उसके आगे आगे उसकी बताई दिशा में चलने लगा और फिर वो दोनों सड़क के पार खड़ी कार तक पहुंच गए। तब एक हाथ से उस आदमी पर बंदूक ताने, अपने दूसरे हाथ से आलोक ने कार के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और कहा, चुपचाप अंदर बैठ जाओ। उसकी बात सुन वो आदमी सर झुकाकर कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया और फिर आलोक ने इधर उधर देखा कि कोई उन पर नजर तो नहीं रख रहा है। जब उसे वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लगी तब उसने उस आदमी के दोनों हाथ पीछे से बांधे और फिर एक नकाब निकाल उस आदमी के सिर पर पहना दिया और कहा, अब हिलने की कोशिश भी मत करना, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, समझे? बस अब हम यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर आलोक जाकर आगे वाली सीट पर बैठ गया और ये सोचने लगा। उसका काम बहुत जल्दी खत्म हो गया इसलिए उसे 2 हफ्तों तक यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही देर में आलोक अपनी कार लेकर सिद्धार्थ के गोडाउन में पहुंच गया जहाँ का एड्रेस उसने उसे भेजा था। सिद्धार्थ ने जानबूझकर उस एक्चुअल लोकेशन के बारे में बताने से पहले उसे एक सर्कल पर भेजा था। आलोक उसकी ये ट्रिक समझ गया था ताकि शिकार अगर उनके हाथ से निकल भी जाए तो उसे सही दिशा याद ना रहे। और फिर वहाँ पहुँचते ही आलोक ने शिकार से कहा, हाँ तो हम अपनी जगह पहुँच चुके हैं, चलो अब बाहर आ जाओ। ये कहते हुए आलोक ने उस आदमी को उसके कपड़ों से पकड़कर कार से बाहर निकाला और फिर उसका हाथ पकड़कर वो उसे अंदर ले गया। और अंदर पहुंचकर आलोक ने देखा तो वहां सारा इंतजाम किया जा चुका था। सिद्धार्थ वहां अपने दाएं हाथ यानी रजत के साथ पहले से मौजूद था और वहां माफिया गैंग के 2 लोग और थे। आलोक ने उन्हें देख सोचा शायद वो सिद्धार्थ के साथ काम करते हैं। और फिर आलोक ने उस आदमी को थोड़ा सा आगे धक्का देकर उसके लिए तैयार सीट की तरफ भेज दिया
और फिर खुद सिद्धार्थ की तरफ चला गया और कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, क्या इसकी कीमत मेरे अकाउंट में डाल दी जाएगी? अभी नहीं, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा रुको यहाँ, मुझ पर भरोसा रखो, बस थोड़ी देर और। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने आलोक के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपना कोट उतारकर सिद्धार्थ ने अपने एक आदमी को पकड़ाया और अपनी शर्ट की बाहों को ऊपर करते हुए वो शिकार की तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ के अंदर बदले की आग जल रही थी, उसने आज तक इसी पल का इंतजार किया था, आज जाकर वो अपने माँ बाप के कातिल के सामने खड़ा था। और तभी उसने अपने एक हाथ से उस आदमी के सिर से उस नकाब को हटाया तो सामने बैठे आदमी के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देख चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए कहा, तो आप हैं अनिल गोइंका? तभी अनिल ने कहा, हाँ मैं ही अनिल गोइंका हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कौन है जिसकी परेशानी की वजह मैं हूँ? तभी सिद्धार्थ ने उसके चारों तरफ घूमते हुए कहा, तुम मुझे शायद नहीं जानते, लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूँ तुम उन्हें जरूर जानते हो। तभी अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब इस तरह पहेलियां बुझाना बंद करो और ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ से छोड़ने की क्या कीमत लोगे? तुम दिमाग में कोई भी कीमत सोच लो जो मुझे छोड़ने के बदले तुम्हें मिल सकती है। तभी सिद्धार्थ ने अपनी बोहो को उठाते हुए उसकी तरफ देख कर कहा, ओ तो तुम इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें ये कीमत पैसों से नहीं बल्कि अपने खून से चुकानी होगी। उससे पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर अनिल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा तो बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? सिद्धार्थ ने उसके सामने खड़े होकर उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें ऐसे बंदी बनकर मजा आ रहा है? किस बात का मजा? अनिल ने भी उसे घूरते हुए कहा। तभी सिद्धार्थ ने गर्दन हिलाते हुए पूछा, उनकी जिंदगी उसे खेल कर, उनके बिजनेस को बर्बाद करके तुम्हें बड़ी खुशी हुई होगी ना? ये सब सुनकर अनिल को उसकी बातें समझ नहीं आई और उसने कंफ्यूज होकर पूछा, सॉरी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसकी बातें कर रहे हो। तभी सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ अपनी जेब में डाला और चारों तरफ घूमते हुए कहा, तो तुमने रायजादास का नाम कभी नहीं सुना? ये कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में उसका गुस्सा थोड़ा ही सही लेकिन नजर आने लगा और उसके पेरेंट्स का नाम लेते ही अनिल के चेहरे का रंग बदल गया था। ये उसने अनिल के चेहरे पर नोटिस कर लिया था और तभी अनिल ने हैरानी से पूछते हुए कहा, हाँ मैंने सुना था कि वो मर चुके हैं, क्या ये सच है? नहीं, सच ये है कि तुमने उन्हें मारा था। ये कहते हुए सिद्धार्थ की नजरें अनिल पर ही थी। ये सुनकर अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो तुम ये साबित कैसे करोगे? और बिना सबूत के हमारे यहाँ कोर्ट तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करेगी? तभी सिद्धार्थ ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? तुमने मेरे माँ बाप के साथ उस दिन जो किया उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा तो नहीं जाने दूंगा, और उन्हें मारने के बाद तुमने वो इल्जाम किसी और पर डाल दिया? तभी अनिल ने हैरान होते हुए पूछा, तो उनकी कोई औलाद भी थी? हाँ, तुम्हारी मौत से पहले तुम उसी का चेहरा देखने वाले हो जिस तरह उन्होंने मरने से पहले तुम्हारा देखा था, ये कैसा इत्तेफाक है ना? ये कहते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और फिर उसने आलोक की तरफ देखकर कहा, आलोक तुम इसके साथ जो चाहे करो, इसे थोड़ा तड़पाना जरूर और इसको इसके अंजाम से पहले इसके आखिरी पलों का एहसास जरूर दिलाना। और हाँ अनिल, गुड बाय, तुम मेरे मम्मी पापा को मेरी तरफ से हाय बोल देना। ये कहकर सिद्धार्थ मुड़कर वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और फिर कार तक आते आते उसके कानों में अनिल के चिल्लाने की आवाज आने लगी, क्योंकि आलोक और उसके बाकी आदमी उसके साथ जो कर रहे थे उसकी वजह से अनिल उनसे अपनी जान की भीख मांगते हुए चिल्ला रहा था, प्लीज सिद्धार्थ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। सिद्धार्थ ने अपने कान बंद किए और उसे अनसुना करके अपनी कार पर बैठकर वहां से निकल गया और फिर उसने अपना फोन उठाया और आलोक के काम की कीमत उसके अकाउंट में डालकर वो अब इस बात से निश्चित होना चाहता था कि उसके माँ बाप की मौत का बदला उसने ले लिया और अब अगर अगली बार उसे आलोक की जरूरत पड़ी तो वो उसे फिर से बुला सकता है। और अब जब उसका काम हो चुका था तो वो अपनी पल्लवी पर ध्यान देना चाहता था, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका था कि जिस तरह पल्लवी उसे प्यार करती है उसी तरह वो भी उसके प्यार में डूब चुका है। उधर सिद्धार्थ को हराने के लिए अर्जुन भी कुछ प्लान बना रहा था, वो नहीं जानता था कैसे,
लेकिन वो इतना समझ चुका था कि पल्लवी सिद्धार्थ की कमजोरी है। अगर वो पल्लवी को किसी तरह भड़का दे या उसे अपनी बातों में फंसा ले तो वो सिद्धार्थ को जरूर फंसा सकता है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा, लेकिन वो अभी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था इसलिए उसका ध्यान नहीं गया। और थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो उसने फोन उठाया और कहा, यस कौन बोल रहा है? तभी दूसरी तरफ से अनिका ने कहा, डार्लिंग हम मूवी के लिए कितने बजे निकल रहे हैं? मैंने मूवी की टिकट्स मंगवा ली है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो परेशान हो, क्योंकि जब से वो सिद्धार्थ और पल्लवी से मिलकर आए थे तब से वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी थी। पल्लवी से वो नफरत तो पहले ही करती थी, लेकिन जब से उसे पता चला था कि पल्लवी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है और उसका बॉयफ्रेंड शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, ये जानकर तो जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो आजकल अर्जुन के सामने बच्चों की तरह हर बात पर जिद करने लगती थी। और अर्जुन भी उसकी इन आदतों से परेशान हो चुका था, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं आज कब फ्री हो पाऊंगा, क्योंकि आज मेरी कुछ लोगों के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तभी अनिका ने जिद करते हुए कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके इतना कहते ही अर्जुन समझ गया था कि वो इस समय कैसा मुंह बना रही होगी। वो चाहता था कि अनिका जल्द से जल्द अपनी ये हरकतें करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली है और फिर उन्हें एक घर में एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। इसलिए कुछ सोचते हुए अर्जुन ने कहा, अनिका मैं तुमसे कल मिलता हूँ, तुम्हारी मम्मा को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। उसके ये बात सुनकर अनिका ने कहा, ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे। ये कहते हुए अनिका ने फोन रख दिया और फिर उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, वो क्या जताने की कोशिश कर रहा था? लेकिन अगर वो सच में फ्री नहीं होता तो वो पल्लवी को डिनर के लिए क्यों इनवाइट करता, जबकि सच ये था कि वो इस समय पल्लवी को मिस कर रहा था। इतना ही नहीं, वो आज रात उसके साथ डिनर पर जाने वाला था, उसकी भी तैयारी करनी थी उसे, और थोड़ी ही देर में उनके डिनर पर जाने का वक्त भी हो गया था। इसलिए उसने अपने डेस्क को साफ किया और वो वहां से उठकर अपनी कार लेकर उस होटल के लिए निकल गया जहां उसने आज पल्लवी को डिनर के लिए बुलाया था। और इस समय उसके मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था, एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था उसके दिल में। उसके मन में ये चल ही रहा था कि कहीं सिद्धार्थ उसे बिना बताए उस पर नजर ना रख रहा हो, इसलिए उसने उस होटल के बाहर अपने कुछ आदमियों को छोड़ रखा था ताकि अगर वहां उन्हें कोई नजर आए तो वो अर्जुन को इस बारे में खबर दे सके, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। और थोड़ी ही देर में उसकी कार उस होटल के बाहर पहुंच गई और जैसे ही वो अंदर गया तो उसने सामने पल्लवी को एक टेबल के सामने चेयर पर बैठे हुए देखा। तो आज भी वो मन ही मन अपने आप को उसकी खूबसूरती की तारीफ करने से रोक नहीं पाया और बोला, अनिका तुम अपनी बहन जैसी क्यों नहीं हो? देखो आज भी उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत नजर आती है। ये सोचते हुए वो उस टेबल की तरफ बढ़ा, उसके सामने वाली सीट पर बैठते ही उसकी तरफ देख बोला, हेलो पल्लवी, थैंक यू तुमने मेरा इतनी देर यहाँ पर इंतजार किया। तभी पल्लवी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अर्जुन तुमने और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था मेरे लिए? वो तो है, लेकिन उसके बाद मुझे तुमसे मिलने का मौका भी तो नहीं मिला, और इतने सालों में हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी तो नहीं पाए, तो मुझे लगा क्यों ना अब हम एक बार फिर एक दूसरे को मौका दें और हम मिले। ये सुनकर पल्लवी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम तो कुछ दिनों में शादी करने वाले हो ना? तभी अर्जुन ने नीचे देखकर कहा, अभी उन सब बातों को छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? तभी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पल्लवी ने जवाब दिया, बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड, अब वो मेरा हस्बैंड बन चुका है। एक्चुअली हम दोनों ने पिछले हफ्ते ही शादी कर ली है। क्या शादी कर ली तुमने और अपने दोस्तों को बुलाया भी नहीं? हैरानी से ये कहते हुए अर्जुन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखा। वैसे तो वो जानता था इस बारे में, क्योंकि उसने रायजादा इंडस्ट्री में अपना एक आदमी छोड़ रखा था जो उसे वहां के हर पल की खबर देता था। तभी पल्लवी ने भी मुस्कुराकर कहा, सॉरी उसके लिए, एक्चुअली हमने हमारी शादी में ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था और मुझे इन सब का वक्त भी नहीं मिला कि मैं मेरे दोस्तों को बुला सकूं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अच्छा ठीक है, वैसे पल्लवी तुम ये बताओ कि तुम्हें उस सिद्धार्थ में ऐसी क्या खास बात नजर आई जो तुम उससे शादी करने के लिए राजी हो गई? ये सुनकर पल्लवी हंसने लगी और बोली, क्या हम इस टॉपिक पर फिर कभी बात कर सकते हैं? और फिर उन दोनों ने वहां कुछ खाया और ढेर सारी बातें की। उन्होंने अपने पिछले साथ बिताए दिनों को याद किया कि किस तरह वो उन दिनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, और फिर थोड़ी ही देर में उन दोनों के जाने का वक्त भी हो गया और वो दोनों साथ में होटल से बाहर आए
और बाहर आते ही पल्लवी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख कहा, थैंक यू अर्जुन आज के डिनर के लिए। सच में आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्जुन ने भी मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ पल्लवी? पल्लवी ने उसे इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब लेकर चली जाऊँगी। तभी अर्जुन ने फिर से कहा, अरे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और वैसे भी अब तो हम अक्सर मिलते रहा करेंगे। लेकिन तभी वहाँ एक टैक्सी आ गई, जिसे रोकते हुए पल्लवी ने कहा, ठीक है अर्जुन अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। ये कहकर पल्लवी उस टैक्सी में बैठने उसकी तरफ चली गई, और कार में बैठते ही उसने हाथ हिलाकर अर्जुन को बाय किया और अपने घर के लिए निकल गई। अर्जुन भी हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए उसे बाय करने लगा, और जैसे ही वो अपनी कार में बैठने लगा तो ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि आज भी अर्जुन मरती तो वो है तुझ पर, सिद्धार्थ से उसे वापस तो मैं लेकर ही रहूंगा, और उस दिन सिद्धार्थ की तरफ मेरा जीत का पहला कदम होगा। तो कैसे छीनेगा वो सिद्धार्थ से पल्लवी को? क्या कामयाब हो पाएगा अर्जुन अपने इस इरादे में? या सच में पल्लवी के मन में अर्जुन के लिए आज भी कोई फीलिंग्स है? जब पल्लवी को अर्जुन के इस घटिया इरादे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी? सिद्धार्थ क्या करेगा जब उसे ये पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।